सृष्टि जी, मैं इस घर की बहू हूं और आप हम पर ऐसे शक कर रही है, बुरा तो लगेगा ही। देखिए, हम अर्शी के कबर्ड को हाथ नहीं लगाते। आप चाबी साथ ले जा सकती है, वहां अनी का भी सामान है, पर उसके साथ भी आप जो चाहे कर सकती है। मोदी प्लीज, आपको हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तनुजा, ये सब तो मैं तुम लोगों के लिए कह रही थी। हम में से तो कोई ऊपर आता ही नहीं है, तो किसी चीज को हाथ लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे लगा सृष्टि जी तुम पर शक कर रही है, इसीलिए मैंने बोला। मुझे लगा कड़वाहट घुलती जा रही है, इसीलिए मैंने बोला। बच्चों के बीच गलत फहमियां हो रही है, यहाँ तक तो ठीक है, पर हम बड़े आपस में दुश्मन क्यों बन रहे हैं? और अब जो बात आज अंजना बोलती है सबके बीच, इसे सुनकर मिर्ची तो लगती है, पर तनुजा के पास अब तो शब्द ही नहीं। मामले में नहीं पढ़ने बोली थी तो भी अंजना उसे ही बता दी कि कमी कहाँ रह गई। हम एक दूसरे पर विश्वास क्यों कम दिखा रहे हैं? खैर, हम में से कोई भी अर्शी के गहनों में दिलचस्पी नहीं लेता, बस यही कहना था मुझे। बस बड़ो बहू, अब चुप हो जाओ। तुमने अपनी बात कह दी, अब बस करो, चुप हो जाओ। पहले अनी की खबर लेने दो, वो बच्चा कहाँ है, कैसा है, बाद में तुम लोग लड़ाई कर लेना, गुस्सा हो जाना। अनी ने खुद कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे सांस नहीं आ रही। फोन करो ना आप। मां, मैं छोटौन को कॉल करता हूँ। और अब फाइनली शुभो छोटौन को फोन तो करता है, पर अब भी जहाँ बड़ो माँ अपनी माँ का आदेश का पालन करती है, वहीं सृष्टि को इस परिवार को नीचा तो दिखाना ही है। क्या हुआ, छोटौन का फोन भी ऑफ है? नहीं, वो फोन काट रहा है। हाँ, मैं जानती थी। वैसे भी फोन उठा के जवाब क्या देगा वो? ओ, बहाना सोच रहा होगा, है ना? आई एम श्योर वो अनिरुद्ध को किसी नकली डॉक्टर के पास ही लेकर गया होगा, और अब कोई अनाप शनाप रिपोर्ट्स लेकर आएगा और आपको दिखा देगा। आई एम सॉरी, लेकिन अनिरुद्ध को, अपने ही बेटे को आप नहीं पहचान पाए। लेकिन मैं उससे बहुत अच्छे से जान चुकी हूं और दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। और आश्चर्य की बात तो ये है कि अब भी तनुजा और कोई सृष्टि का मुंह तो बंद नहीं करवा पा रहे। आखिर ऐसा भी क्या है कि वो सृष्टि की पैरों तले दबे हैं, अपने ही बेटे के बारे में खिलाफ में सुन रहे हैं सबके सब, क्यों? हो गया पैकिंग? हाँ मॉम, जो ज्वेलरी मिली मैं ले आई, बाकी की मैं बाद में पिक करवा लूंगी। ठीक है, चलो। अश्वि प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, काकू कॉल कर रहे थे छोटोन को, छोटोन ने फोन तो नहीं उठा, बट आई एम श्योर ही विल कॉल। भाभी, मैं पूरी कहानी जानती हूँ। मॉम चले। अर्शी बेटा, अर्शी बेटा प्लीज, बेटा प्लीज घर छोड़कर मत जाओ, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो बेटा। आंटी, पहले आप अपने बेटे को ठीक कीजिए। और अब भी तनुजा इतना अपमान क्यों सह रही है, क्यों उम्मीद बांध कर रखी है अर्शी से? उसे समझाइए, फिर आप अपनी बहू को रोक पाएंगे। अर्शी, हम दिल से चाहते हैं कि तुम घर छोड़ के ना जाओ, ये घर तुम्हारा ही है। दिल से तो मैं भी बहुत कुछ चाहती थी अंकल,
क्या मेरी विश कभी पूरी हुई? तो फिर आपकी ये विश कैसे पूरी होगी? ये तो नहीं हो पाएगा। शुभो, आज गुरुवार है, लक्ष्मीवार है, और घर की लक्ष्मी घर छोड़कर जा रही है। अर्शी मत जाओ बेटा। थामी, आपके पोते ने मुझे कभी इस घर की लक्ष्मी नहीं माना, और ये मानने के लिए तैयार ही नहीं आज माँ भी और कोई भी। उन्हें तो नाज था इस रिश्ते पर। फिर मैं ये नियम परंपरा क्यों मानूं? थामी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं आपसे, आज मुझे मत रोकिएगा। नहीं अर्शी। और आज लाज शर्म सब कुछ छोड़कर अर्शी चले जाती है बोस परिवार के घर से, और आज कोई नहीं रोक पाया उसे। पर आखिर बोस परिवार को अर्शी में इतनी दिलचस्पी क्यों? सिर्फ पैसे और स्टेटस के चलते या कुछ और बात है? क्योंकि आज शुभो के नाक के नीचे से धीरे धीरे बर्बादी की बू तो आने लगी है। अपने ही बेटे का अब तक खबर नहीं ले पाया है, और चला था अर्शी को मनाने और रोकने। तो अब आखिर अर्शी जब जाएगी पुलिस स्टेशन सृष्टि के साथ, तब आगे क्या होगा ये देखना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा यही कंप्लीट बॉलीवुड के आने वाली अपडेट्स में, जहां हम आप तक लेकर आ रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।